पतंगबाजी में बाजी शब्द सुन कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन फर्रुखाबाद की पतंगबाजी का अंदाज एकदम अनोखा है। ये हमारी पहचान बन चुकी है। पूरा फर्रुखाबाद अपनी अपनी छतों पर वो काटता चिल्लाता देखा जा सकता है। हिंदुस्तान में ऐसी बसंत पंचमी शायद ही कहीं होती हो। ये नवाबी शहर है। हमारे पास समय ही समय होता है। पहले न इंटरनेट था, न टीवी और न रेडियो। मनोरंजन के नाम सिर्फ कबूतरबाजी, तीतरबाजी, मुर्गे लड़ाना, शतरंज बाजी, कंचे बाजी व पतंग बाजी होती थी। ये हमारे नवाबी समय के इंडोर व आउटडोर स्पोर्ट्स हुआ करते थे। लेकिन पतंगबाजी अभी भी जीवित है। पतंगबाजी किसी एक धर्म से नहीं जुड़ी है, बल्कि सभी धर्मों के लोग मिलकर पतंगबाजी का पूरा लुत्फ उठाते हैं। चुड़ैया, टिकला, हट्टा, भील, पेंच, चरखी, लटका व बर्रा आदि पतंगबाजी की मशहूर शब्दावली अब कहां सुनने को मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ ये गोल्डन शब्द सुनने को मिल जाते हैं और हमारी यादें ताजा हो जाती है। बसंत पंचमी पर अगर भुने आलू का मजा न लिया तो समझो मजा अधूरा। जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, बसंत पंचमी आतिशी होने लगती है। विश्वास माने, ये सिर्फ फर्रुखाबाद में ही होता है। शहर आतिशबाजी में डुबो दिया जाता है। फर्रुखाबाद में बसंत पंचमी पर पतंगबाजी व आतिशीबाजी गंगा जमुनी परंपरा का एक अनोखा नमूना है, जो आज तक बखूबी जारी है। इस बार की बसंत पंचमी अपने आप में अनोखी है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस के साथ रामनगरिया का मेला भी अपने चरम पर है।